56 प्रकार के भोगते हैं। तभी ब्रजवासी भगवान गिरिराज जी की का पूजन कर रहे हैं। और पहले हमारे यजमान जो प्रमुख श्रोताए हैं श्री हरि नारायण यादव जी और उनके सुपुत्र श्री सचिन यादव जी, आपके द्वारा तथा पत्नी गिरिराज जी का पूजन होगा और फिर इसके बाद आप भी परिक्रमा लगाइएगा। सभी को एक एक परिक्रमा लगाना है ना। भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का भी बड़ा फल है। कैसी कैसा भी तबीयत खराब हो, बुखार हो, लोगों से परिक्रमा लगा लो, एक तो बार तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। अगर कोई पद चाहिए कमल गट्टों से परिक्रमा लगा लो, कोई पद मिलेगा। रुपया पैसा चाहिए, एक तो आठ मखाने लेके परिक्रमा लगा लो, रुपया पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगर जिसकी शादी नहीं हुई, ध्यान दें, जिसका विवाह नहीं हुआ वो एक तो आठ हल्दी की गांठों से परिक्रमा लगा ले तो तुम लोगों की होगी, होगी ले आना हल्दी की गांठ, है ना। अगली बार जब कथा होगी ना तो बिल्कुल जोड़ी से बैठोगे तुम, और शर्म आए तो रात में लगा लेना, भगवान रात भर ही रहेंगे। भोले भक्त वत्सल भगवान की, यहाँ के राज्य का पूजन होगा। और मेरी तो अभी वही बैठ जाएंगे यजमान जी। गिरिराज जी का पूजन हुआ है, नारद जी ने जाके इंद्र को बताया है कि तुम्हारा पूजन बंद करवा के कृष्ण ने गिरिराज का पूजन प्रारंभ करवाया है। तो इंद्र ने ताम्रतक नाम की मेघों को आदेश दिया है, गणम ताम्रतकम नाम मेघा नाम चांति कारणम, जाओ ब्रज को नष्ट कर दो। किंतु मेरे श्रोताओं में बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि जिसके भगवान रक्षक हो कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब पानी गिरने लगा, एक एक पानी की बूंद हाथी के सूंड के बराबर, तो सात वर्ष के कन्हैया ने सात कोट के गिरिराज को कृष्ण का उंगली पर धारण कर लिया। अब भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की। सात दिन सात रात्रि तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया। तभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। मेरे श्रोताओं, चारों तरफ से भगवान ने ब्रज के शेषनाग जी को लगा दिया, जो एकत्रित होता है जल अगस्त्य जी पीते जा रहे, जिन्होंने तीन चुल्लू में सारे समुद्र को पी लिया। ऊपर से जो जल गिर रहा सुदर्शन चक्र को लगा दिया, तो ऐसे हो रहा है जैसे गर्म तवे पर कोई पानी की बूंद डाले, भाप बन जाती है। इतना पानी गिरा किंतु ब्रज में धूल उड़ रही। ब्रजवासी तभी डंडे लगाए हैं। भगवान ने कहा भैया आप लोग आराम कर लो। बोले बाप तुझे क्या लगता है, तू पहाड़ उठाए हैं तो ही आराम कर ले कन्हैया। पर जैसी भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, सबके डंडे लाठी चट चट करके टूटने लगे। सभी चिल्लाए अरे संभाल कन्हैया, संभाल कन्हैया। भगवान ने फिर धारण किया। सात दिन बाद जो इंद्र के जल विभाग के कर्मचारी हैं इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा क्यों भैया ब्रज बह गया, नष्ट कर दिया। बोले नहीं महाराज, धूल उड़ रही, वो अपने जरूर टैंकर खाली हो गए। अब इंद्र समझ गया भगवान की महिमा को, जल वृष्टि बंद हुई है, भगवान ने यथास्थान गिरिराज जी को स्थापित किया है। ब्रजवासियों ने भगवान से पूछा, ग्वाल वालों ने, कन्हैया ये बता कि तूने इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठाया। कन्हैया ने कहा भैया हम भगवान हैं। बोले वाह, तूने भगवान वाला ऐसा कौन सा काम किया। भगवान ने कहा हमने पूतना मारी। तो ग्वाल बोले भैया तूने पूतना मारी तो मरी मराई में दस दस लठ तो हमने भी मारे थे, तो हम भगवान नहीं बन गए। फिर तत्व तत्व बता, तूने कहते मारा कहते उठाया गिरिराज को। तो भगवान ने कहा कछु माखन को बलि बढ़ो, जो माखन की चोरी की, माखन खाया कुछ ताकत उसकी, कछु गोपन करी तहाय, कुछ आप लोगों ने सहायता की,
ग्वाल बाल बोले भैया हमने कहा था आयता कर दी तेरी, पहाड़ तो तूने अकेले ही उठाया था। भगवान ने कहा था अरे भैयाओं जब मैं गिरिराज को धारण किए था तो आप लोग हमें टुकड़ टुकड़ देख रहे थे तो आपकी ताकत हमारे भीतर आ गई थी। तो एक ग्वाल बोला ओ तभी तो हम सोचे कि हम दो तीन दिन से कमजोर क्यों होते जा रहे, अब पता चला कि हमारी ताकत तेरे भीतर पहुंच गई। इतने में बरताने की गोपियां आ गई, बोली गलत बात हम बता रहे पहाड़ कहते उठाया, बोली कहते कछु माखन को बन बढ़ो कछु गोपन करी ताए। और बरताने की गोपियां बोली कि राधा जो की कृपा से तेने गिरवर दियो उठाए। ये तो हमारी राधा रानी की कृपा है, बोल राधा रानी सरकार की। तो आइए हम भी तभी ब्रज चलते हैं और तभी एक एक परिक्रमा लगाएंगी और देखिए गिरिराज जी की कृपा की आपको गिरिराज जी नहीं जाना पड़ा, गिरिराज जी आपके यही मैली गांव में आ गए, है ना। तो तभी पहले पूजन करेंगे, इसके बाद छप्पन भोग का प्रसाद लेते हुए और आगे की सूचनाएं हमारे आचार्य जी देंगे आपको, इसके पूर्व पूजन यहाँ बैठा दो भैया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। देखिए हम लोगों के बड़े सौभाग्य हैं, ऐसा बताया जाता है कि गिरिराज जी महाराज के एक पत्थर भी बिज से लेकर के हम कहीं नहीं आ सकते, उनको इतना प्रिय है गिरिराज जी को ब्रज की, एक क्षण के लिए वो ब्रज को नहीं त्यागते। अगर कोई पत्थर धोखे से लेके आता है तो हमें उधर ही छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आज कथा के माध्यम से स्वयं गिरिराज जी महाराज हमारे बीच विद्यमान हुए हैं, आए हम उनका शोभोपचार से पूजन करेंगे और यही मानसिक हम उनकी परिक्रमा लगाएंगे, यहीं से आपको वही गिरिराज का फल मिलेगा। आए हम पहले पूजन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम मारवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ध्यान करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यारिहे तदे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम सहस्रवीरिका गुरुभः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिगुं सर्वतित्रत्वाद्दतिषदसाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वञ्जभूतञ्च भाव्यम् मा उत मृतर्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानुषमहिमातो जायाश्च पूर्वः मानुषमिद्वा भूतानि त्रिपादश्यामृतम् दिवि सर्वादुर्वयोदयगुरुकः पारुषेह भगवनादो विकलं विग्रामशासनान सनेऽभि ततो विराटजायत विराजोरिगुरुः सदातो अतर्ज तपश्चाद्भूमिमथो वरादर्वादज्ञा सर्वावतरितः सामानि जगनिरे छन्दागुंसि जगनिरे तस्माजस्मादजायता तस्मादस्वाजायन्तजीकेजो भयादता गावो हजगरे तस्मात्तस्माज्जाता ओम विष्णु अद्य मासाणां मासोत्तरमासे ज्येष्ठमासे सुवे कृष्णपक्षे प्रवन्नपुन्नतौ पञ्चम्यां महापुण्यतिथौ गुरुवासरानुमदाय गोत्रस्वप्ने गोत्र का नाम लो, नामाहम क्षत्रियोहम नामाहम अपना अपना नाम लें, शपथमी गसा परिवार से फलबान्धव सती स्मृति प्राणोत्पन्न फल प्राप्ति काम लक्ष्मी प्राप्ति काम सुख समृद्धि रोग दोष निर्माण कृष्ण जन्मोत्सव लक्ष्य
भगवान गिरिराज पूजनो पूजनम बोलो स्वयं करशे छोड़ दे ओ जगतो दूर मदैति देवत सारु सरदार तथा वेते दूरंगम ज्योतिखान ज्योति निकंतर में मना सकत संकल्प वस्तु बोले गिरिराज महाराज की जय। हम अब सभी भाई बंधु माताएं बहने जैसा कि व्यास जी ने बतलाया है यहाँ हम परकम्मा लगाए तो ये नहीं सोचना कि यहाँ गोबर की लगा रहे वही गोवर्धन की। हम ऐसे भाव अंदर लाए क्योंकि मंत्राधीनम जगत देवाधीनम जगत सर्वम मन जाते हैं इसलिए आए सभी परकम्मा लगाए पहले पूजन करवाए और क्रम से आगे जाएंगे परकम्मा लगाएंगे और इधर भी भजन के माध्यम से सभी परकम्मा लगाएंगे। राधी राधी बोल के राधी राधी बोल के देगी परिकम्मा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके अर्पण करके सन्मंथन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के देंगे परिकम्मा डोल के अर्पण करके सन्मंथन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण सबको मौका मिली प्रथम काली घाटी में पहुंचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश नवाए प्रथम काली घाटी काली घाटी में पहुंचे जाए गिरधारी को लेंगे दीप नवाए प्रथम काली घाटी में पहुंचे जाए गिरधारी को लेंगे दीप नवाए नंदोत्सव मन में नगर परिकम्मा की तैयारी करे राधे राधे बोल के देंगे परिकम्मा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके क्योंकि इसके तुरंत बाद आरती होगी चले हिम
मन में धर गिर धर का ध्यान मिला पुंचेरी का लोटा स्थान चले है मन में धर गिर धर का ध्यान मिला स्थान चले है मन में धर गिर धर का ध्यान मिला पुंचेरी का लोटा स्थान चले है मन में धर गिर धर का जसी पुरा में जाएगी चढ़े दूध हर ताय की जसी पुरा में जाएगी भक्ति भाव को तोल के देंगे पर गम्मा डोल के हर बढ़ कर के तन मन धन चलो चले तब गोवर्धन और आप लोग भी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कुछ क्षणों में आरती और आरती के बाद भी आप लोग प्रसाद लेते बैठे रहेंगे सुंदर भजनों का अंत लेते हुए भी जाएंगे जय जय